तेरा वचन सत्य है, मेरे जीवन का सत्य वो बन जाए, मेरे जीवन की, मेरे जिंदगी रूपी घर वचन के चट्टान पर मैं बांधूं। प्रभु प्रभु मैं उस मूर्ख की तरह नहीं बनना चाहता जो तेरा वचन सुनकर भी उसका पालन ना करे। आंधी आती है, तूफान आता है, पर उसका घर जो बालू पर बंधा है वो बह जाता है, वचन सुनकर उसका पालन करता है जिसने अपना घर चट्टान पर बांधा। आंधियां उठी, तूफान आए, हवा बही, वो घर बना रहा। हाँ तू था, तू है और तू वो है जो आने वाला है। मेरे भूतकाल के लिए, मेरे भूतकाल की हर एक गलती के लिए, हर एक वो कटु यादों के लिए प्रभु तेरा वचन मुझे सांत्वना देता है कि तू बीती बातों को भुला दे, पुरानी बातों को जाने दे। आज मैं तेरे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं। मेरे जिंदगी के वर्तमान के लिए, मेरे जीवन के हर एक मुश्किल परिस्थिति के लिए तेरा वचन मुझे आश्वासन देता है कि तू वो ईश्वर है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। और मेरे भविष्य के लिए, हे प्रभु, तेरा वचन मुझे वो हिम्मत देता है कि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। तू ही था, तू ही है, तू वचन जो शाश्वत है, कभी ना मिटने वाला है। खेत के फूल मुरझा जाएंगे, घास मुरझा जाएगा, पर प्रभु का वचन जो शाश्वत है वो सदा बना रहेगा। तू ही था, कर लीजिए जो कभी ना बदले उसी पर मैं अपना जीवन निर्भर करूं। जो बदल जाता है उस पर अगर हम भरोसा करेंगे तो हमारा विश्वास भी कितना खोखला होगा, पर जो अटल है, कभी नहीं बदलता, कभी ना बदलने वाला वो वचन जिसका सामर्थ्य, जिसकी चंगाई, जिसकी महिमा, जिसका गौरव कभी नहीं बदलता, उस परमेश्वर, उसके वचन पर अगर हम भरोसा कर रखेंगे। यीशु ने कहा जो मेरे वचन पर भरोसा रखता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तू ही था, तू ही है, दोनों हाथ उठाइए। कमी कमजोरियों में प्रभु तेरा वचन मुझे शक्ति देगा, बल देगा, मेरे दुखों में वो मुझे सांत्वना देगा। तेरे वादे, तेरी प्रतिज्ञाएं, हे प्रभु, मुझे बल और ढारस देगी। माँ की मध्यस्थ प्रार्थना की हम मांग करें जिसने शब्द को अपने कोख में स्थान दिया, जिसने प्रभु की हर बात को अपने हृदय में संजोए रखा। आज वो माँ ही हमें सिखलाती है
कैसे यीशु के शब्दों को, यीशु के शब्दों पर अपना जीवन आधारित करना, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरी शिक्षा के अनुसार चलता है, जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, मेरा पिता उसे प्यार करता है और मैं भी उसे प्यार करते हुए उसके जिंदगी में हम घर बना लेंगे। तुम अगर मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में बना रहता है, यीशु का वादा है, तुम कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हमारी हर एक प्रार्थना का फल, हमारे हर एक प्रार्थना का जवाब और उत्तर कहाँ है, कि हम उसमें बने रहे। जैसे माँ हर बार प्रभु में बनी रही और उसने शब्द को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने कोख में स्थान दिया, प्रभु का वचन उसमें बना रहा, इससे उसकी कोई भी बात नकारी नहीं गई। आज ईश्वर मुझे और आपको यही सिखा रहा है, कितना वो पिता चाहता है कि हमारी इच्छाओं को पूरी करे, कितना वो पिता चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, क्योंकि पिता कहता है जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है बेटा, जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है मेरी बेटी, बस तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम कुछ भी मांगो दिया जाएगा, तू ही था। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। आमेन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम सभी लोग प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, करते हैं या नहीं करते, और प्रभु भी चाहता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुने, है या नहीं। पर उसका मार्ग प्रभु ने बताया, तुम मुझ में रहो, तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम कुछ भी मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर भी चाहता है कि हम विजयी बने, परमेश्वर चाहता है आप कभी जिंदगी में ना हारे। मेरे जवानों, ईश्वर बहुत अपेक्षा रखे हैं आप लोगों से, और वचन कहता है जवानों तुम शक्तिशाली हो। कैसे हो, दिखाओ, मैं शक्तिशाली हूं। ए, मुझे मत दिखाओ, एक दूसरे को दिखाओ। ए, दोनों हाथ से, मेरे हाथ में माइक है इसलिए मैं दूसरा हाथ नहीं दिखा रहा, अब दोनों हाथ से दिखाओ, मैं शक्तिशाली हूं। आपको शक्ति कहां से मिलती है, कहां से? बाइबल कहता है जवानों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। जवान कब शक्तिशाली बनते हैं? जब वचन निवास करता है। बूस्ट खा खा कर शक्तिशाली नहीं बनोगे? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। हालेलुया। आजकल कई लोग जिम में जाकर डोले शोले बनाते हैं। हालेलुया। एक जवान को मैंने देखा, मैं एक साधना में गई थी, बड़ा लंबा कदका पंजाबी मुंडा था, पर मैंने देखा बार बार ये बंदा बार बार हर एक आधे पौने घंटे में बाहर जा रहा है। मुझे अजीब लगा, मैंने पूछा भैया कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओ दीदी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी मुझे हर आधे पौने घंटे में एक आई नीड टू टेक अ फैग। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो ये बंदा बार बार जो जा रहा था, पर दीदी मैं बड़ा आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे डोले देखे, वाकई में एक मुक्का मारता तो कोई भी गिर जाता। पर मैंने कहा भैया तुम वैसे शक्तिशाली दिख रहे हो, पर वाकई में तुम शक्तिशाली नहीं हो, क्योंकि तुम आज एक 6 इंच की सिगरेट के गुलाम बन चुके हो। है या नहीं, है या नहीं? हाँ, दिखने में तुम 6 फुट के हो, पर 6 फुट का आदमी इतने 6 इंच की सिगरेट का गुलाम बन चुका है। शक्तिशाली कौन है? जिसमें वचन निवास करता है। और एक बार लिखा है, स्तोत्र संहिता में लिखा है,
जवानों, तुम ईश्वर के विरुद्ध तुम अगर पाप नहीं करना चाहते तो तुम ईश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दो। निकालिए स्तोत्र संहिता 119, स्तोत्र संहिता 119 वचन 9 और 11। हाँ, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैंने कहा तेरी शिक्षा कहाँ रखी? अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर जवानों को, नौजवान को निर्दोष आचरण करना है तो उसे क्या करना है? प्रभु की शिक्षा को हृदय में सुरक्षित रखना है। आज हम अपने हृदय में किसको स्थान दिए हैं? आपके अंदर क्या है? हृदय में वचन है या पूरा संसार का वचन है, संसार की बातें हैं? क्या वाकई में ईश्वर का वचन आपके हृदय में है? अगर है तो आप शक्तिशाली हो। शक्तिशाली बनना है जवानों, तुम शक्तिशाली हो, बोलिए। एक दूसरे जवान को तो बोल तो दीजिए, जवानों तुम शक्तिशाली हो। एक कोई मुझे भी बताए, मैं भी जवान हूं, मुझे बताइए कोई। जवानों तुम शक्तिशाली हो, बोलिए। ईश्वर का वचन तुम में निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। दुष्ट पर विजय पाना है, पाना है तो आत्मा की तलवार को उठाना है। यीशु भी आपके समान जवान थे, मुझे सुनने वाले। यीशु के पास मोबाइल नहीं था, था ट्विटर, था फेसबुक, था व्हाट्सएप, था इंस्टाग्राम, था आपके पास वो सब है, कंप्यूटर था? यीशु के पास कोई गाड़ी थी, रॉयल एनफील्ड था? नहीं नहीं, था या नहीं था? उनके पास नाइकी शूज थे? कुछ नहीं था, ना मोबाइल, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना कंप्यूटर, ना आईपैड, ना पीएसपी, ना कुछ भी, और ना कोई गाड़ी, ना कोई साइकिल, ना कोई बाइक, कुछ नहीं। पैदल पर चलते थे, एक आध बार गधे में सवार, गधे पर सवार हो गए, और कभी कभार नाव में सवार हो जाते, और कहां केवल थोड़े ही रफ्तार, थोड़े ही फासले में वो चलते रहे। गलीली गए, कैपरनॉम गए, यरीखो गए, उसी जगह में घूमते रहे। पर आज भी 2000 सालों के बाद भी उसका नाम हम याद करते हैं। कारण क्या है? उसने अपने जिंदगी में किसको स्थान दिया? ईश्वर के वचनों को। जब यीशु को 40 दिन के पश्चात प्रार्थना उपवास के बाद जब प्रलोभन में डाला गया, शैतान आए उसके पास उसे 3 प्रलोभन में डालने के लिए, यीशु ने उस शैतान का सामना करने का एकमात्र मार्ग अपनाया। क्या? लिखा गया है। क्या कहा? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। वो ऐसा कह सकते थे लिखा गया है, क्योंकि उसके अंदर वचन था, तभी तो वो जानते थे। शैतान उसके सामने कई प्रकार की बातें कही। शैतान भी वचन जानता है, प्लीज समझ लेना, शैतान भी वचन जानता है, और वो वचन का को तोड़ मरोड़ कर देता है। सही तरीके से वचनों को समझने के लिए हमें ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। बोलिए आमेन, शक्तिशाली रूप से बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने एक सत्य प्रकट किया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। आज आप लोग उपवास रखे हो या नहीं रखे हो, है या नहीं? मान लीजिए ऐसे 40 दिन उपवास रखना पड़े, क्या हाल होगा? आप होगे ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बात सच है या नहीं है? हाँ, हम रोज ऐसा उपवास नहीं रख सकते, क्योंकि शरीर को किसकी जरूरत है? भोजन की जरूरत है। शरीर को किसकी जरूरत है? अरे बोलिए ना, भोजन क्या देता है? शक्ति देता है। भोजन हमें जीवन देता है। भोजन ना खाए, रोटी ना खाए तो हम काम नहीं कर सकते, शक्तिहीन हो जाते हैं। अब मनुष्य, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। ये शरीर को भी अगर शक्ति की जरूरत है और भोजन की जरूरत है, तो यीशु कह रहा है हम मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर से बढ़कर कुछ है। हम कौन है? हम कौन है? आप शरीर में अंदर एक आत्मा हो या आप आत्मा हो जिसको एक शरीर मिला है? आप कौन हो?
नहीं नहीं आप शरीर हो जिसके अंदर एक आत्मा है, बोलिए सच क्या है? हाँ सच ये नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, ये सच नहीं है। मैं एक आत्मा हूं जिसको एक शरीर मिला है, मैं एक आत्मा हूं जिसको शरीर मिला है। और अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे किसका ध्यान रखना है? आत्मा का। अब यीशु ने इसलिए तो कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। 5 रोटी और 2 मच्छी के चमत्कार के बाद यीशु ने कहा नश्वर रोटी के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करो। वो अनश्वर रोटी ईश्वर का वचन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा जीता है। यानी मेरे अंदर शब्द होना चाहिए तो ही तो मैं कह सकता हूं, जब प्रलोभन आता है तो भी तो मैं वचन के द्वारा वचन की तलवार उठा सकता हूं। अगर वचन है ही नहीं तो तलवार कैसे उठाओगे? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ इसे योहन अपने पत्र में बतलाते हैं, 1 John 2:14, योहन का पहला पत्र अध्याय 2:14, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जवानों के लिए। जवानों तुम शक्तिशाली हो। प्रभु चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि मेरा हर एक जवान बेटा और बेटी शक्तिशाली बने, छोटी छोटी बातों में मायूस ना हो जाए। आज कोई ने किसी ने कुछ कह दिया, तुम बदसूरत हो, तुम बेकार के हो, वहां पर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातों में हम परास्त हो जाए। जिंदगी के यानी जो भी समस्याएं उठ रही है उसमें हम पूरे यानी खलास हो जाए, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हम शक्तिशाली बने, विजयी बने। बोलिए आमेन। और प्रभु ने कहा, दिखाया है, जवानों तुम कैसे हो? पढ़िए पढ़िए वो वचन, पढ़िए पढ़िए, सभी लोग पढ़िए, चलिए सभी लोग साथ में पढ़िए। 1 John 2:14 क्या लिखा है? युवको तुम शक्तिशाली हो, बोलिए। ये आपकी आवाज में शक्ति नहीं दिख रही है, जोर से बोलिए। तुम में वचन निवास करता है, तुम में वचन, और दुष्ट पे तुमने विजय पाई है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, सिखा दिया हमको क्या करना है। आमेन, बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे बोतल में पानी है या नहीं? वैसे ही जैसे ये बोतल के अंदर पानी है, वैसे ही प्रभु के वचनों के अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, ऊर्जा है, आत्मा है, जीवन है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो जीवन और आत्मा है। वचन में, प्रभु की शिक्षा में ये कोई मामूली शब्द नहीं है। प्लीज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, स्कूल में, पाठशाला में, हमारे हम जब पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, कई प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। ये भी किताब है, बाइबल भी किताब ही है, पर वो किताब और ये किताब में जमीन आसमान का अंतर है। वो किताब आपको गणित की किताब, आपको गणित के बारे में ज्ञान देगा। इतिहास की किताब आपको इतिहास के शास्त्र के बारे में सिखलाएगा। तो बाइबल एक किताब है, तो वो क्या सिखाएगा? आपको मुक्ति का संदेश देगा, आपकी जिंदगी का उद्धार का संदेश देगा। इसे पेतरुस ने कहा हम जाए तो कहां जाए, आपके पास अनंत जीवन के वचन है। बोलिए आमेन। इसे अगर हमें वाकई में जीवन पाना है, मेरी गवाही ये है, मेरी साक्षी है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने डबल डिग्री पाई, मैंने बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, इतनी सारी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, सारी किताबें पढ़ ली, पर वो किताबों से मैंने पैसा कैसे बनाना वो सब सीख लिया, पर जिंदगी कैसे जीना कभी नहीं सीखा। वाकई में जीवन कैसे जीना किसने सिखाया पता है? इस किताब ने मुझे सिखा दिया। और जो इसका सहारा लेता है वो जिंदगी में कभी हताश नहीं होगा, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि युवको तुम, बोलिए ना, युवको तुम में वचन और दुष्ट पे तुमने,
हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले वचन में चंगाई है। जो भी यीशु मसीह करते वो सब कुछ वचन करेगा, क्योंकि यीशु और उसका वचन अलग नहीं है, यीशु ही वचन है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, शब्द ही ईश्वर था। इसे वो शब्द के द्वारा यीशु ने चंगाई दी। यीशु ने छोड़ी से कहा शुद्ध हो जा, शुद्ध हो गया। यीशु ने तूफान से कहा शांत हो जा, शांत हो गया। यीशु ने बहरे गूंगे आदमी से कहा एफाथा, खुल जा, खुल गया। आज वही शब्द प्रभु हमें, हमारे अंदर जब रहेगा, हमारे अंदर कोई भी बंधन होगा, प्रभु कहेगा, प्रभु के मुख से हम वो एफाथा का शब्द लेते हैं तो हमारे अंदर के बंधन खुल जाते हैं, क्योंकि उसका वचन जो कार्य के लिए भेजा गया है उसे पूरा किए बगैर वो वापस नहीं आता। जैसे आकाश से, बादल से पानी बरसता है और भूमि को सींचे बगैर और यहाँ पर हरियाली फैलाए बगैर वो वापस नहीं जाता, वैसे ही प्रभु कहता है मेरा शब्द मेरे मुख से निकलने के बाद वो अपना उद्देश्य पूरा किए बगैर वापस नहीं आता। यानी प्रभु का वचन जब आता है वो जरूर कार्य करता है। बोलिए आमेन, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और वचन में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। हम पढ़ेंगे एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37, वो सूखी हड्डियों का जो दृश्य है उस पर हम वचन पढ़ेंगे। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियाँ बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? यहाँ देखिए, हड्डियों में जीवन आ सकता है? सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? हड्डी तो निर्जीव है ना, जो निर्जीव है, जो एकदम सूखी हड्डियां कब बनती है पता है? एक व्यक्ति जब मरने के बाद उसका मांस कीड़े खाने के बाद सूरज के तापमान में वो एकदम सूख जाती है, वो सूखी हड्डियां है। अब उन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? आ सकती है? हम पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं। मैंने उत्तर दिया, यानी नबी एजेकियल ने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया प्रभु ईश्वर तू ही जानता है, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। सूखी हड्डियों में जान आएगी या नहीं आएगी मैं नहीं जानता, पर प्रभु बताता है कि सूखी हड्डियों में जान या जीवन कैसे आएगा। आगे लिखा है, इस पर उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। बोलिए इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, और एक बार बोलिए। कई लोग सूखी हड्डियों के समान होते हैं, ड्रग्स में पड़े हैं, शराब नशा करते रहते हैं, गलत गंदा गालियां बकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो सूखी हड्डियों के समान है। कैसा जीवन है? बेकार का जीवन। कई परिस्थितियां सूखी हड्डियों के समान है, घर में रिश्ते टूट गए हैं, घर में रोज का लड़ाई झगड़ा होता है, घर में वहां शांति नहीं है, वो सूखी हड्डियों के समान है, बेकार का है। आज कई जवान आज बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के, संसार के तौर तरीकों के अनुसार चलते रहते हैं, वो सूखी हड्डियों के समान है। अब प्रभु कहता है उन सूखी हड्डियों में अगर जीवन लाना है तो उससे भविष्यवाणी करनी है। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे ये कहो सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। किनसे कहा जा रहा है? हड्डियों से कहा जा रहा है प्रभु की वाणी सुनो, यानी निर्जीव चीज को कहा जा रहा है क्या? प्रभु की वाणी सुनो। और प्रभु की वाणी में क्या सामर्थ्य है? जो नहीं है उसको वो उत्पन्न करता है। वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ के द्वारा प्रभु ने अपने सारी सृष्टि का निर्माण शब्द के द्वारा किया है। जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तब प्रभु ने केवल कहा, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट।
शब्द के द्वारा रचना हुई है, शब्द के द्वारा कुछ ना होकर भी सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यानी शब्द में कितना सामर्थ्य है कि वो सब कुछ बना सकता है। आज आपके मन में शांति नहीं है, पर ईश्वर का वचन आकर शांति देगा। आज आपके मम्मी पापा के पति जीवन का जो संबंध है उसमें प्रेम नहीं है, पर उन दोनों के जीवन में एक शब्द आएगा, दोनों का प्रेम सही हो जाएगा। आज आप यानी कौन से मार्ग पर जाना है, आपको उलझन हो रही है, एक शब्द आएगा और वहाँ आपको सही मार्ग दिख जाएगा। क्योंकि प्रभु आप एक ही शब्द कह दे और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो शब्द में चंगाई है, जड़ी बूटी या लेप से नहीं। जड़ी बूटी या लेप से हमें चंगाई नहीं मिलती, बल्कि ईश्वर तेरे वाणी ने, तेरे वचनों ने हमें भला चंगा किया। इसलिए प्रभु कहते हैं इन सूखी हड्डियों से कहो, प्रभु की वाणी सुनो। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी सूखा है, जो परिस्थिति सूखी है, आपका जीवन नहीं बन रहा, आपका सपना साकार नहीं हो रहा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, आपकी जो काबिलियत है वो पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आपको उसको एक शब्द सुनाना है। क्या करना है ये बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, क्या करना है? प्रभु ईश्वर ने इन हड्डियों से ये कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे, मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूँ। आगे चलकर हम पढ़ते हैं, मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा, मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी। वो हड्डियाँ अपने आप कैसे जुड़ने लगी? जब भविष्यवाणी, जब प्रभु की वाणी उन्हें सुनाई गई और मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उनमें चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उन्हें प्राण आए, वे पुनर्जीवित हो गए और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। विशाल बहुसंख्यक सेना थी। ताली बजाए, ए जोरदार ताली बजाए। आज प्रभु हमें कुछ बता रहा है, आज सूखी हड्डियां क्या बन गई? सेना बन गई। मैंने अपने जीवन में, यहाँ मैं 14-15 सालों से यहाँ पर हूँ, हर हफ्ते में कई सूखी हड्डियों को रविवार के दिन आते देखती हूँ, जिनके जिंदगी में कोई उत्साह नहीं है। कई व्यक्ति जिनका शरीर पूरा ऐसा बेहाल हो गया है कि डॉक्टर ने हाथ उठा दिए हैं, कई ऐसे जवान जो ड्रग्स में और जो नशे में अपने जीवन को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिए हैं, ऐसे कई सूखी हड्डियों को मैं रोज़ हर इतवार को देखती हूँ और 6 दिन उनको केवल प्रभु की वाणी सुनाते हैं, प्रभु की वाणी सुनाते हैं। और शुक्रवार के दिन हम देखते हैं वही सूखी हड्डियाँ सेना बनकर आगे चलकर ईश्वर का कार्य करती है। हालेलुया।